हेलो फ्रेंड, फिजिक्स की में आपका स्वागत है। मैं रोहित आज आपको बताऊंगा डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में। तो न्यूटन के हम जानते हैं कि मोशन के तीन लॉ हैं, ठीक है। तो उसमें जो सेकंड लॉ है वो हमसे कहता है कि जो हमारी लीनियर मोमेंटम में टाइम के साथ जो चेंज होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है अगर हमारी लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसका मतलब यह है जो उस पर लगने वाला फोर्स है और चेंज है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एज अ डेफिनेशन हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द फोर्स। तो इसी हमको न्यूटन के सेकंड लॉ से को लेना है और हमें बताना है, पता लगाना है कि हमारा जो डी एलेमेंट का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा फोर्स होता है वो डी पी अपॉन डी टी के इक्वल होता है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसलिए ऊपर से वेक्टर लगा दिया मैंने। और हम जानते हैं कि जो डी अपॉन डी टी है इसका टाइम डेरिवेटिव है, तो इसको हम यहाँ पर डॉट से दिखा रहे हैं। ऊपर से ऊपर मैंने इसके डॉट लगाया है, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया है, पी का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। आप इसको डी पी अपॉन डी टी लिखो, अगर डी पी अपॉन डी टी दिखाते हैं तो हमारी डेरिवेशन बहुत अजीब सी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो सर शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं पी के ऊपर डॉट, कहने का ये मतलब है पी का हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, ठीक है। अब फोर्स ऑन आइथ पार्टिकल, हमने मान लिया कि जो हमारा एक सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 लेकर के, हम पता नहीं हमें कितने पार्टिकल हैं। अगर हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, आइथ, एक आई पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उस पार्टिकल पे जो फोर्स होगा उसे हम दिखाएंगे यहाँ पर आई लगा देंगे, एफ आई से, और मोमेंटम हो जाएगी इसकी पी आई, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है फोर्स जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन एन पार्टिकल तक हैं, तो उनमें से मैंने कोई भी एक पार्टिकल ले लिया और वो पार्टिकल मेरा कौन सा पार्टिकल है, आई पार्टिकल है, तो उसके लिए मैं फोर्स दिखाऊंगा एफ आई इज इक्वल टू पी आई, दोनों जगह आई लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, हम यहाँ पर ये पी इधर पॉजिटिव का इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचने वाला है जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारा एफ आई इस पी आई को इधर लाके हम नेगेटिव कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इस एफ आई में से अगर इस पी आई डॉट को माइनस करें तो वो इक्वल किसके आता है, जीरो के आता है। इसका मतलब है एफ आई माइनस पी आई डॉट इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि पार्टिकल में जितना भी फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स जितना भी लग रहा है, वो सब क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है, ठीक है। तो इसको सिस्टम में जितना भी लगने वाला फोर्स है, दोनों फोर्स माइनस हो जा रहे हैं, मोमेंटम और फोर्स, तो वो दोनों मिलकर हमें जीरो वैल्यू दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा सिस्टम किस पर है, इक्विबिलियम में, क्योंकि एफ आई माइनस पी आई इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। तो हमारा सिस्टम है वो किसके अंदर है, यहाँ पर इक्विबिलियम में है, ठीक है। अगर हमारा सिस्टम इक्विबिलियम में है तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो अगर मैं मान लेता हूं जो हमारा डेल्टा आर आई है ये आई पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, आर मतलब वो अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो अगर हम मान लेते हैं कि डेल आर आई एक क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सिस्टम की, तो हमारे जो इक्वेशन नंबर वन है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई, इनके बीच में भी होगा डॉट, और जो हमारा ये आई पार्टिकल है, ये जो आई की वैल्यू है ये 1 1 भी हो सकती है, ये 2 2 2 भी हो सकती है, 3 3 3 भी हो सकती है, 4 4 4 भी हो सकती है। हमने मान लिया कि हमारे सिस्टम में कैपिटल एन पार्टिकल हैं तो ये आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक वैरी करेगी, 1 रख 1 भी रख सकते हो, 2 भी, तो उसके बीच में ही इसको वैरी करना है। तो यानी कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर आई है। तो यानी कि मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया, इसमें एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डॉट कर दिया, साथ में समीशन के फॉर्म में लिख दिया इसको, सिग्मा जो हमारा इस आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक वैरी करेगी, एन तक वैरी करेगी, कैपिटल एन तक वैरी करेगी, ठीक है। बट हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो दो फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मान लो एक हमारे पास है पेंडुलम, इस पेंडुलम में मैंने एक मास लटका दिया जिसका मास एम है, तो वो नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगा जो किसके इक्वल होगा, न्यूटन के लॉ से एम जी के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये है जो इस स्ट्रिंग में मास लटका हुआ है ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, एम जी फोर्स अप्लाई कर रहा है स्ट्रिंग पर,
और इसके बदले में स्ट्रिंग पे क्या क्रिएट हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम है उसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक फोर्स जो अप्लाई करता है जैसे इस मास ने अप्लाई किया, और दूसरा एक रिएक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, इस रिएक्शन इस केस में वो रिएक्शन फोर्स क्या है, टेंशन है। ठीक है, तो इस टेंशन फोर्स को हम बोल सकते हैं यहां पर फोर्स ऑफ कंस्टेंट, और ये हमारा फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स। तो कहने का मतलब यह है किसी भी पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स या फिर किसी भी सिस्टम पे लगने वाला फोर्स होता है वो दो फोर्स के सम के इक्वल होता है, एक फोर्स जो अप्लाई हो रहा है जिसे हम बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स जो क्या होगा फोर्स ऑफ कंस्टेंट होगा। जैसे इस केस में mg अप्लाइड फोर्स है, और जो स्ट्रिंग पे टेंशन पैदा होगी, स्ट्रिंग में जो तनाव पैदा होगा, स्ट्रिंग में जो खिंचाव पैदा होगा वो हमारा क्या है इसमें फोर्स ऑफ कंस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल पर जो फोर्स होते हैं वो दो फोर्स का सम होता है, जो हमारे कौन कौन से फोर्स होते हैं, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ कंस्टेंट। तो हमारे जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन में जो हमारा एफ आई की वैल्यू है उसके बदले हम पुट करने वाले हैं एफ आई ए प्लस एफ आई, जहाँ एफ आई ए हम बता चुके हैं क्या है हमारा अप्लाइड फोर्स, और एफ आई क्या है फोर्स ऑफ कंस्टेंट। तो जो हमारा ये एफ आई है, अब देखेंगे इस एफ आई के बदले हमने क्या रख दिया, एफ आई ए प्लस एफ आई, ठीक है, माइनस का ये ऐसी रहा, डॉट डेल आर आई ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीशन को इन दोनों के साथ अलग कर देना है, साथ में डेल आई आर आई लगा देना है, और इस समीशन को और डेल्टा आर आई को इस हमारे फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट के साथ सेपरेट कर देना है। कहने का मतलब यह है पहले मैंने एफ आई ए लिया, फिर मैंने नेगेटिव का पी आई डॉट लिया, फिर मैंने इस इन दोनों को साथ लेने के बाद डेल्टा आर आई को अंदर इंटू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बचा एफ आई, इसके पीछे प्लस है तो यहां मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, और इस समीशन को मैंने एफ आई से इंटू करा तो यहां पर आ गया समीशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन एफ आई, और डेल्टा आर आई को बाहर से अंदर को मैंने गुणा कर दिया, तो डेल्टा आर आई, यानी कि हमें कहने का मतलब है हमने इन दोनों फोर्सों को अलग कर दिया यहां पर, और एफ आई को वहां पर अलग कर दिया, और समीशन को या सिग्मा को इस फोर्स के साथ भी इंटू कर दिया और एफ आई के साथ भी इंटू कर दिया। सेम इसी तरह से डेल्टा आर आई को भी हमने अंदर को इंटू कर दिया यहां पर, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई प्लस सिग्मा आई इक्वल टू 1 एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल होता है वो हमसे कहता है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ कंस्टेंट इज 0, या हमारा जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट होता है उसके द्वारा वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। और वर्क डन की डेफिनेशन हम जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ आई है हमारा फोर्स, डेल्टा आर आई है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो एफ आई डॉट डेल्टा आर आई हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। और ये वर्क डन किस फोर्स की वजह से हुआ है, एफ आई फोर्स की वजह से हुआ है, और एफ आई फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ कंस्टेंट होता है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहता है कि जो वर्क डन होता है किसके द्वारा किया गया, फोर्स ऑफ कंस्टेंट के द्वारा किया गया, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला पार्ट है ये वर्चुअल वर्क की वजह से क्या हो चुका है, 0। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनी सिग्मा 1 इक्वल आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन एफ आई ए माइनस पी आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई, ये तो 0 हो चुका है, इक्वल्स टू 0। तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, एक बार फर्स्ट से एक बार और रिवाइज कर देते हैं। हमारे न्यूटन का लॉ हमसे कहता है कि एफ इक्वल टू पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एफ बराबर पी वेक्टर डॉट। अगर हमारा फोर्स आई पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, कि आई नंबर के पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, तो एफ आई यहाँ पर आई लग गया, यहाँ पर आई लग गया। ठीक है, इसको यहाँ लगा माइनस कर सकते हैं, जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। कहने का मतलब है अगर एफ आई माइनस या इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अगर हमारा फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो उसमें हम
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया इस पूरे को हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से इंटू कर दिया, जो कितनी मानी है हमने डेल्टा आर आई। तो इसका मैंने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट निकाला, साथ में मेरे सिस्टम पे एन पार्टिकल हैं, तो ये जो हमारी आई की वैल्यू होगी वन से लेकर कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी, इक्वल्स टू आ गया जीरो। लेकिन हम जानते हैं जो हमारा फोर्स होता है ये दो फोर्स के इक्वल होता है, पहला होता है अप्लाइड फोर्स, दूसरा होता है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो इस एफ आई के बदले आ गया अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। अब पी आई इनको साथ करके हमने सेपरेट कर लिया है और हमने उसके बाद लगा दिया उसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो हमसे कहता है कि वर्क डन बाई कौन से फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ कंस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो ये वाला पार्ट हमारा जीरो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो जो बचा यही हमारा क्या होता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि न्यूमेरिक कैसे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को किसी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।